वो महार मार और चमार उस एड्रेस कर रहे हैं और बड़ी 1940 का भाषण कि अपने लोग का मतलब हम लोगों ने इतना नैरो बना लिया है कि अपने लोग का मतलब हम लोग जाति से और समुदाय से समझने लगे। पाबंदी है आप सबका शुक्रिया। बैठा लो, बाहर से कोई व्यक्ति आता है आप लोग उठ नहीं रहे हो भाई। जी प्रोफेसर, आयोजक और मेरठ की जनता दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। तीसरी चौथी बार मेरठ आ रहा हूँ और वैसे जगह पे बोल रहा हूँ, खड़ा होकर मेरे लिए ऑनर की बात है, सम्मान की बात है कि जहाँ कभी बाबा साहब ने भाषण दिया था 1952 या 1953 की बात है, मैंने पढ़ा है। और यहाँ मेरठ कॉलेज के छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और जब मैं पिछली बार आया था तो जाटर गेट पे बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया। मैं इतिहास का छात्र हूं, एक्टिविस्ट हूं, तो मेरी खोजी नजर इतिहास से जुड़े हुए पहलुओं पर हर समय रहती है, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं कि जो इतिहास नहीं जानता वो समाज गुलाम होता है, लेकिन समाज में हमारा इतिहासकार ही नहीं, इतिहासकार कोई बनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि रिसर्चर और शोधार्थी बनने के लिए 20 से 25 साल कमर और कुर्सी को एक करना पड़ता है, तब जाके वो बात निकलती है। यहाँ मैगी टाइप नहीं है, चट दो मिनट में कुछ नहीं होता है, सदियां गुजर जाती है प्रोफेशनल हिस्टोरियन और रिसर्चर बनाने में। बहरहाल मैं अपने जीवन में हर समय बैक बेंचर रहा हूँ, मतलब पीछे बैठने आगे बढ़ने वाला, और मुझे उसमें कोई नहीं, मुझे मजा आता। और मैं जब किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो एज ए एक्टिविस्ट, आम आदमी, आम इंसान, जब अगर 2 घंटा बैठाएंगे मुझे मंच पर तो मुझे लगता है कि मुझे सजा मिली है, तो उससे बेहतर है मैं लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलता जुलता हूँ। बैठा के चुपचाप बैठा के एक पानी का बोतल देंगे, 2 घंटा बैठाए रहेंगे, उससे बढ़िया दोस्तों से भाइयों से मिलूं, इधर माताएं बहनों से मिलूं, बातचीत करूं। लेकिन चलिए अच्छी बात है, हमारे समाज में बहुत दिनों से लोगों को सामने बैठने नहीं दिया गया, तो कम से कम आदत तो पड़ी, बैठ गए, सम्मान नहीं मिला, इसलिए सम्मान में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं सम्मान से हो गया, इस सम्मान में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और उसमें इतने सारे महत्वपूर्ण वक्ता है, अगर 10 मिनट भी बोलेंगे तो मुझे लगता है 5-6 घंटे तो ऐसे ही हो जाएंगे। इसको शॉर्ट किया जाए, मैं जहां भी जा रहा हूँ बोल रहा हूँ, शॉर्ट किया जाए, एक आदमी का सम्मान करते काफी है। तो चलिए कम से कम मंच पे इतने सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि इतने सारे लोग विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में दिखे, विश्वविद्यालयों में दिखे, मीडिया घरानों में दिखे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में दिखे, हर जगह दिखे। खाली हुक्मरान का नारा देने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारे और सारे काम है जिसको होना। आज 2-3 पॉइंट ही बोलूंगा, 10 मिनट बोलना है, इसमें क्या बोला जा सकता है कि बाबा दो हूं, एक बाबा के हाथ में संविधान है और एक बाबा के पास मनुस्मृति है, देखा है वीडियो, दो बाबा है, एक के हाथ में संविधान है और एक के हाथ में मनुस्मृति है, तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये प्रतीक है, एक सिंबल है कि ये दो विचारधाराओं का एक तरह से टकराव है। देश में ये जो हालात है, मैं समझता हूं कि संविधान और मनुस्मृति के बीच एक तरह का धर्म युद्ध है और मैं इस धर्म युद्ध में संविधान के साथ खड़ा हूं, चाहे इसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और देश में आजकल भावना बहुत जल्दी आ रही है,
सही लगी है पूरी। अभी एक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी एक आदमी ने शिकायत की है कि शिवरात्रि के दिन बाबा साहब के साथ सामने उस संतरा वाला जो है शिवलिंग लगा दिया, इससे हमारी भावना आहत। मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि इसमें दो एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो शिवलिंग में संतरा कलर कर दिया गया, तो जो शिव भक्त है उनको भी आहत होना चाहिए इस बात से। दूसरे, जहां पे शिवलिंग को रखा गया वो बाबा साहब के पांव के नीचे है, तो इसे शिव भक्तों की भी जो है भावना आहत होनी चाहिए थी और उनको भी मोर्चा संभालना चाहिए था। लेकिन आपको लगा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में जो बात कही है उस हिसाब से आपकी भावना आहत हुई तो आप थाने चले गए। तो उसमें तीन एंगल से मैंने निकाले, तीन एंगल से होनी चाहिए। तो जो शिव के भक्त है उनको भी आहत होनी चाहिए कि आप पांव के नीचे बाबा साहब जहां पे पांव चढ़ाकर रखे वहां पे आपने जो है शिवलिंग लगा दी। तो भावना आहत क्या है? तुम्हारे पांव शरण, हमारे पांव लात। तुम कहो तो ब्रह्म बात और हम कहें तो हल्ला। दोस्तों, आज चूंकि धम्म महोत्सव है, सम्मेलन है, और इसमें मुझे बोलना चाहिए था कम से कम डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म पर आधा घंटा, लेकिन जो बहुत सारे चिंतन मनन की बातें 25-30-50 लोगों के बीच होती है या बहुत सारे लोग हों, तो उसमें तो ऐसी बात कही जाती है जिसमें कि सब लोग को अच्छा लगे, थोड़ा गुनगुनी लगे, है ना, वो दिमाग में कम दिल में ज्यादा जाए, तो ऐसी बातें यहाँ पे कहनी होती है, इसलिए वक्ताओं की भी मजबूरी होती है। अभी भंडेल जी ने कहा कि हमारे लोग अपने लोग की ही आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। तो शिकायत, आलोचना और समीक्षा में अंतर होता है। बाबा साहब भी बहुत सारे अपने लोग, कोट अनकोट, कौन है अपने लोग? सिर्फ एक जाति, एक समुदाय में पैदा होने वाले अपने लोग होते हैं या अपने लोग विचारधारा से बनते हैं? आज ही मैं पढ़ रहा था डॉक्टर अंबेडकर का 1940 का भाषण, वो महार मार और चमार तो एड्रेस कर रहे हैं, और बड़ी 1940 का भाषण कि अपने लोग का मतलब हम लोगों ने इतना नैरो बना लिया है कि अपने लोग का मतलब हम लोग जाति से और समुदाय से समझने लगे। जो लोग हमारे जाति और समुदाय में जो पैदा हुए और मनुस्मृति के साथ खड़े हैं, क्या वे अपने लोग होंगे? चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे घर के मेंबर क्यों नहीं, जब दो विचारधाराओं के बीच यह एक तरह का धर्म युद्ध है, तो अपने लोग इस बात से निर्धारित किए जाएंगे कि कौन किस तरफ खड़ा है। राहुल सांकेत है, इनको आप कहां रखें? आज की जो अस्मिता की राजनीति है और अपने लोग को पहचानने की जो बात है, राहुल सांकेत है, इनको कहां रखें? डॉक्टर अंबेडकर के कॉलेज में बहुत ब्राह्मण टीचर भी थे, उनके दोस्त भी थे। इमारत फंड में जब उन्होंने पौने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए मुंबई में एक इमारत बनवाने के लिए, तो 1 लाख तो उनके ब्राह्मण दोस्तों ने, कबर खास के दोस्तों ने, तो अपने लोग को उसकी समीक्षा जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि आजकल मैं समीक्षा कर रहा हूं कि जो अपने लोग के नाम पर हमारे लोगों को गलत इतिहास पढ़ाई जाए, गलत दिशा में भेजा जाए, सिर्फ भाषण और नारा दिया जाए, तो ऐसे समय में हमारे जैसे आम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की समीक्षा करें और समाज को सही इतिहास, सही सूचना की जानकारी दें। अपने लोग का एक बड़ा नेता है, आजकल बहुत लंबा लंबा बोलता है और कहता है करोड़ों का चंदा इकट्ठा करते हैं, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोले, तो उस नेता जी का कहना था, सोच लीजिए जरा बुद्धि, कि सरकार, ये तो सरकार का काम है, आजादी के पहले लोग अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते थे, तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं।
अगर बात तो सही है कि सरकार का काम है, लेकिन सरकार अगर शिक्षा से अपने हाथ पीछे खींच ले तो इसका जवाब बताओ क्या चाहते हो कि हमारे लोग के कोट पैंट टाई उतर जाए, जाके गांव में जो है मजदूरी करें, उनके बच्चे पढ़े, और जिससे चंदा लेते हो उनसे पूछो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? तो चंदा लेते हो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं राजस्थान में था 2-3 दिन पहले, वहां मैंने जाकर देखा, वहां मेंटर संस्थान का हॉस्टल जाकर कभी विजिट करके देखिए, मैंने वीडियो भी बनाया, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। इस समाज ने ऐसा नहीं है कि समाज ने दिया नहीं, एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बहुत दिया, उतना दिया कि उतना में तो एक द्वीप खरीद के एक देश बना लिया रहता, लेकिन भाषण नहीं। और आप लोग को भी ये कह रहा हूं कि आप लोग गुदगुदी वाला भाषण में ताली पीटने का आदत छोड़ दीजिए। इस देश का हुक्मरान बनना है, ताली लग रहा है, कैसे बनना जरा बताना। यूरेशिया भेज देंगे ब्राह्मण को, विदेश भेज देंगे विदेशी, कैसे भेजोगे बताना जरा। पाकिस्तान से बात की हो, बड़ा टफ बॉर्डर। अफगानिस्तान से बात की हो, टफ बॉर्डर। ये फालतू के नारों से बचो। बाबा साहब की पूरी किताब पढ़ लीजिए। जो लोग पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि ये विदेशी है, ये मूल निवासी है और कुछ नहीं, आपको गुमराह करके आपसे चंदा वसूल रहा है। मूल निवासी का पूरा कॉन्सेप्ट जब संविधान बन गया तो खत्म हो गया। कौन भारत का सिटीजन है, दी क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। कौन भारत का जो है सिटीजन है, बाबा साहब ने ऑलरेडी डिसाइड संविधान में किया हुआ। तब एक नया डिस्कोर्स खड़ा करना, इसका मतलब आपको दिखाना कि देखो ऊपर कौवा है, ऊपर देखे कौवा हाथ से रोटी छीन लिया, तो गुदगुदी वाला भाषण सुन के खूब ताली बजा रहे हैं, सरकार बना देंगे, ये कर देंगे। अरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। 10-20 साल ठहर जाइए, इतने पढ़े लिखे बाबू लोग हैं ना, बेटी को ब्याह करने के लिए जो लड़के नहीं मिलेंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ, नोट कर लेना। इसलिए कि सारे कुछ निजीकरण हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस आरक्षण से एक मिडिल क्लास तैयार हो रहा है उसको पूरा नस्तनाबूद कर रहा है। पार्लियामेंट नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, कुछ नहीं करेंगे इस मुद्दे पर। शिक्षा खत्म है, रोजगार खत्म है, बेरोजगारी है, इसमें बात नहीं होगी, खाली किसमें बात होगी। हुक्मरान बनना है, संसद के गुंबद में बैठ के झंडा फहराना है और वहां से दूरबीन से अफगानिस्तान तक का शासन करना है। कितना अच्छा लगता है आप लोग सुनने में, फैंटेसी ड्रीम गर्ल फिल्म। बहुत रात में सोते हुए तो लगता होगा पूरा ये आरएसएस के लोग फैलाते हैं चुनाव के समय गांव गांव में, और खासतौर से दलितों में और पिछड़ों में। ये मौलवी साहब पाकिस्तान चला जाएगा ना तो हवेली और जमीन तुम्हारा ही होगा, खूब गुदगुदी लगता है कि हमारा ही होने वाला। आज तक 4 मुसलमान को पाकिस्तान भेज पाए, उसी तरह उसका एक दूसरा चैप्टर है, दूसरा पहलू दलित एडिशन आरएसएस का। वो सारी एनर्जी इसी में लगा रहा है कि इसको यूरोशिया भेज देंगे, ब्राह्मण विदेशी है और आप गुदगुदी हो जाती है, चले जाएंगे तो सारा माल हमारा होगा। तो ये दीवा स्वप्न हटा दीजिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, जो इस देश में पैदा हुआ है यही रहेगा। असली लड़ाई आत्मसम्मान स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने की है, संसाधन में भागीदारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये नहीं। इतना बड़े बड़े पंडाल देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, आज मैं इस मंच से यह आह्वान कर रहा हूं कि अगर आज बीजेपी आरएसएस शासन में है तो राजनीति और चुनाव की वजह से नहीं, उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी संस्थाएं खुली हैं, उसमें लीडर पैदा होते हैं। चुनाव तो खाली बाई प्रोडक्ट है। इतने सारे बाबा साहब के एक दिन जयंती नहीं मनाएंगे, बड़े बड़े पंडाल लगा के तो क्या हो जाए, बाबा साहब का महत्व कम हो जाएगा क्या? ये तो 10 साल में ज्यादा हुआ। इतने पैसे बचा लीजिए और सारे पैसे बचा के एक ऑक्सफोर्ड के टक्कर का यूनिवर्सिटी खोलिए, नेता वहां से पैदा होगा, तब हुक्मरान बने। खोलिए
तो हमारे नेता और चंदाखोर और ठंडाखोर के एजेंडा में ये बात नहीं है, वो समझता है कि खाली चुनाव जीतकर हुक्मरान बने। अरे एक सीए तो ढंग का है नहीं आपके समाज में, तो हीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाओगे। हीरा चोरी इंग्लैंड में फोटो खिंचवाता है हवेली में, तो हवा में मत उड़ी। सुजीत बैठा हुआ है अपने समाज का, वहां भानु प्रताप जी बैठे हुए हैं, 10-20 लड़ाई है तो गांव फैला गया, जाकर चीफ जस्टिस कोर्ट में अंग्रेजी में बहस करता हो, अब हुक्मरान बन लोगे कैसे बनो? ये गलत फहमी पालिया आपसे, जाइए सोचिए। ये मीठा दवाई हम नहीं देते हैं, कड़वी दवाई देते, जाके सोचिए कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और भक्ति और डांस करने से ज्यादा बेहतर है अंग्रेजी देवी को सलाम कीजिए, उनको पूजा कीजिए। अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा तो भक्त होके खाली डीजे पे डांस करते रहिए और कुछ नहीं करता। ये बात कहने आया हूं, दिमाग पे जोर दीजिए, मुश्किल काम में थोड़ा एनर्जी लगता है। और मीठा मीठा लड्डू खब खब खा लेते, नीम का जो है कुछ मिलेगा बनाकर थोड़ा सा कड़वा लगता है, हम लोग नीम है। अगर बाबा साहब के पूरे अंतिम बात कहेगा, बाबा साहब में खूब नारे लग रहे हैं, बाबा साहब के राइटिंग्स पर ही है, मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो बाबा साहब को ऊपर बोलने से पहले 3 मिनट तो उनके गुणगान में महाकारुणिक महाबोधि तमाम तरह की बात। अरे बाबा साहब खुद ही भाइयों और बहनों से संबोधन शुरू करते थे और बोलने में ज्यादा काम की बात करने में ज्यादा वक्त लगाते थे। बाबा साहब को अगर पढ़ेंगे उनको देखेंगे तो उसमें 2 चीज स्पष्ट रूप से दिखेगा, एक तरफ बुद्ध और एक तरफ कार्ल मार्क्स। और दोनों कलर हटा के बाबा साहब को समझेंगे, बाबा साहब का बी भी ना समझ पाएंगे। कार्ल मार्क्स बुद्धा कवि पूरा दर्शन वही, वो स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म के प्रचार की बात कर रहे हैं ये समय नहीं है। 1954 में रंगून का भाषण, ये बौद्धिज्म और धर्म जो है ये अपने आप घर में नहीं रहेगा, भंते जी लोग सबको घूम घूम के प्रचार करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। शुक्रिया साथियों, फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से।